रेसिपी में स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। बहुत तरह की आइसक्रीम बनाई मैंने, तो थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो गया होगा, है ना। तो अब मैं बना रही हूँ लास्ट में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। देख रहे हैं क्या है ये है पान की आइसक्रीम। देखिए कितनी यमी और कितनी टेस्टी दिख रही है ना। तो जल्दी से हम रसोई में चलते हैं और फटाफट से इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें ना ही हमें गैस जलाना है, ना ही हमें मिल्क पाउडर यूज करना है, ना ही कुछ ज्यादा तामझाम करना है। फटाफट से हम बनाते हैं बिना गैस जलाए। अभी देखा कि पान की आइसक्रीम हमारी कितनी टेस्टी और कितनी बढ़िया से दिख रही थी कि आपका भी बनाने का मन कर रहा है ना। तो मैं आपको बहुत इजी से रेसिपी बताती हूँ। हम डालेंगे मीठी वाली सौंफ, ये जो नॉर्मल सौंफ खाते हैं, तो ये पूरी 4 चम्मच में डाल दूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आने वाला है। और मैं डालूंगी इसमें कुछ 8-10 खजूर। खजूर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मीठा भी बहुत ही बढ़िया सा लगेगा। और डाल रही मैं ये जो कलरफुल सौंफ आती है ना, ये सबसे अच्छी लगती है, पान का मसाला जिसको बोलते हैं, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और मैं डाल रही हूँ 4-5 इलायची और यही अपना गुलकंद वाला मसाला जो है। और ये डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच, मेरे पास गुलकंद भी रखा हुआ था तो मैं ये भी डाल देती हूँ। करीब 4 चम्मच करीब डाल दिया मैंने इसको। और मैं डाल रही हूँ 10-12 बादाम, 10-12 काजू और पिस्ते, आप मतलब इसकी चटनी जैसे हम बना लेते हैं ना। और सबसे ज़रूरी और बहुत ही बढ़िया सी चीज़ डाल रही हूँ मैं, ये पान के पत्ते। तो ये हमारे घर में पान लगे हुए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया ताजे ताजे पान लगे हुए हैं। तो मैं करीब 10 पान लूंगी। अगर आप बाजार के पान ले रहे हैं छोटे छोटे, तो 3 या 4 ही काफी हैं, जो कि 8 लोगों के लिए आइसक्रीम काफी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 10-12 पानों को लेके इसके डंठल निकाल के इसको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। 12 पान मैंने बारीक बारीक ले लिए हैं, उसको मैं बिल्कुल फ्रेश पान का टेस्ट लाने के लिए इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से चॉप कर लेते हैं, ये 3 या 4 पान काफी हैं। और मैं डाल दूंगी थोड़ा ज्यादा सा नारियल का बुरादा, बस 4 चम्मच, ज्यादा नहीं। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल पान वाला टेस्ट चाहिए ना हमको। अब हम इसको ग्राइंड करके लाते हैं। ये देखिए एकदम हमारी चटनी जैसी बन गई, दिख रही है आपको, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, फ्रेश मजा आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पान हो। इसी में डाल दूंगी मैं करीब 50 ग्राम शक्कर, जो कि क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी मीठी अच्छी लगती है ना इसलिए। और हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको डालना है, लेकिन मुझे थोड़ा मिल्क पाउडर का टेस्ट अच्छा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पूरी एक क्रीम, फ्रेश क्रीम जो मार्केट वाली अमूल क्रीम है, तो पूरा खोल के इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश पूरा एक ये पूरा बॉटल भर के, क्योंकि हम और कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे ना, आज हम बना रहे बिना गैस की बहुत ही बढ़िया सी आइसक्रीम। मैं ये पूरी अमूल क्रीम डाल देती हूँ, इसमें डाल दी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। अब मैं इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लाती हूँ। देखिए आइसक्रीम के लिए हमारा बिल्कुल क्रीमी टच निकल रही है, बट इसमें पान जैसा कलर नहीं आया ना। हम डालेंगे इसमें बिल्कुल 1/2 चम्मच फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ही कलर अच्छे से आएगा, ज़्यादा नहीं, बस 1/2 चम्मच से भी कम। और इसको एक बार मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे कि पूरा कलर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बढ़िया आया है ना एकदम कलर, इतना प्यारा सा। तैयार है हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी पान आइसक्रीम, मेरी फेवरेट। देखिए जितना इसमें आएगा इसमें हम डाल देंगे बस। उसके बाद मेरे पास छोटे छोटे से कप रखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ मटका आइसक्रीम भी बन जाएगी हमारी पान मटका। देखिए जितनी इसमें आएगी इतनी डाल देती हूँ मैं। वाह, तो तैयार हो गई हमारी बहुत ही बढ़िया सी पान आइसक्रीम। बस थोड़े से मैं इसमें स्प्रिंकल सा डाल देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी मैं डाल दूंगी पान की जान टूटी फ्रूटी, जो कि नीचे चली जाती है, बट जब बाइट में आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे मैं अपने मटका कुल्फी में भी लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा बस। चल बस फॉइल से उसको कवर कर देंगे। अच्छे से जिससे कि बिल्कुल एयर ना जाए, या तो पॉलीथिन से कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। और इसके बाद इसके लिट लगा देंगे। तैयार, इसको रख देती हूँ मैं ओवरनाइट फ्रिज में, या तो 8 घंटे या तो ओवरनाइट। यार है हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी पान कुल्फी। ये देखिए ये मटका कुल्फी कह लेंगे इसको हम, और कितनी बढ़िया सी जमी है ना। और ये भी खोल के देखते हैं हम अपना, ओवरनाइट पूरा हो चुका है। ओ वाह, बहुत ही बढ़िया से जमी है ना। तो हम करते हैं जल्दी से इसकी प्लेटिंग। तो तैयार है हमारी बहुत ही यमी पान कुल्फी। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सी हो गई है, बहुत ही बढ़िया सी जमी है ये।
वाओ, कितनी यम्मी और कितनी बढ़िया सी दिख रही है, दिख रही है ना। इसके ऊपर रख देंगे हम एक बहुत ही सुंदर सी चेरी। वाओ, ऐसे हम दूसरा क्यूब निकालते हैं। था आपने कितनी यम्मी हमारी पान कुल्फी लग रही है कि देख के ही आपके मुंह में भी आ रहा होगा पानी। तो फटाफट से जल्दी से एक क्रीम लाइए मार्केट से, जल्दी से पान की मटका कुल्फी और आइसक्रीम बनाइए। कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। लेकिन उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले हमेशा की तरह। और मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि आइसक्रीम आज कैसी बनी है। तो मैं अपनी आइसक्रीम खाकर बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पान खा रहे हो। तो आप ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिए कल, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। कल हम फिर मिलेंगे, जब तक एंजॉय पान कुल्फी।